आइन का भी कोई एहतराम नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक नहीं होगा तो क्या होगा। इस वक्त जो बहरान है पाकिस्तान का वो आप सब देख रहे हैं। आज जो हमारी कंटेम्प्ट कोर्ट का केस है, इसमें जो जज साहब ने उस कंटेम्प्ट को पेंडिंग कर दिया है इलेक्शन कमीशन के फैसले तक, और उनको ये नोटिस जारी किया है कि वो अपने इस बारे में एक हतमी जवाब अदालत के अंदर पेश करें, क्योंकि अदालत का हुक्म था इमीडिएटली। आज पांचवा दिन है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपने आप को एक मुंशी इदारे के तौर के ऊपर पेश करते हुए वही किया है जो कि इससे पहले करता आ रहा है। 22 लोगों की फहरिस्त जो हमने दी इलेक्शन कमीशन में कि ये लोग 25 मई के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस हैं, इनको पंजाब में ना लगाया जाए। उन 22 में से 17 लोग जो हैं उनको पंजाब में अपॉइंट किया गया और उन्होंने साथ शुक्रिया भी अदा किया कि अच्छा है आपने वो लिस्ट दे दी हमें जो कि आपके सख्त मुखालफ हैं, उनको ही हमने लगाना है। उसके बाद हमसे तवक्को, हमसे मुतालबा और हमें हुक्म ये है कि आपने हमारी इज्जत करनी है। इस तरह तो इज्जत नहीं हो सकती, इस तरह तो आपकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होगी। और आपको मैं बताऊं, आपने अपने ओथ के साथ, अपने हलफ के साथ जो किया है, आपकी इज्जत इस जहान में भी नहीं होनी, आपकी इज्जत अगले जहान में भी नहीं होनी। जो लोग अपने हलफ के ऊपर रोगर्दानी करते हैं, जो लोग अपने हलफ को इस तरह से वॉयलेट करते हैं, उनकी इज्जत नहीं हो सकती। और आज भी मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर अदालत में, ये अदालत के लिए एक टेस्ट केस है, अगर लाहौर हाईकोर्ट अपना हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा सकी, पाकिस्तान के आइन के बाद पाकिस्तान की अदालतें भी बेवकत हो जाएंगी। पाकिस्तान की अदालतों की तरफ फिर कोई नहीं देखेगा अगर आप अपने फैसलों को इंप्लीमेंट ही ना करा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिस तरह से फैसल फारूकी जो हमारे मुल्क के बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, उन्होंने कामरान खान साहब के प्रोग्राम में यह कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स फॉर नॉट इंप्लीमेंटिंग द कोर्ट ऑर्डर। ये वो वाहिद सूरत है जिससे अदालत अपनी इज्जत और वकार बहाल कर सकती है। इसके साथ साथ एक मुनज्जम कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के खिलाफ चला रहा है, हमारे खिलाफ तो छोटी सी बात के ऊपर आप जो है वो नोटिस भी देते हैं, कंटेम्प्ट भी करते हैं। मैं हैरान हूं कि इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नजर नहीं आया। मरियम नवाज खुलेआम धमकियां दे रही हैं अदालतों को, खुलेआम धमकियां दे रही हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, और इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। इससे जो है वो एक ये बात सामने आएगी कि अगर आप चढ़ के रहें तो फिर ठीक है, अगर आप चढ़ के नहीं रहते तो फिर अदारे जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये जो इंप्रेशन है इदारों के ऊपर कि अगर आप प्रेशर बना के रखें फिर ठीक है, अगर आप प्रेशर नहीं बनाते तो फिर अदारे आप पे इंप्लीमेंट नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के आइन के ऊपर लेटर एंड स्पिरिट के में जो है वो अमल होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान में इदारों को और सियासी जमातों को एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, और स्पेस दी जा सकती है आइन के ऊपर अमल दरामद करके। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि आइन भी मुल्क में नहीं होगा, कानून भी नहीं होगा, जो वक्त का हाकम है उसका लफ्ज कानून होगा और उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करें। मिलके काम इस तरह नहीं होगा, आइन के ऊपर अमल दरामद करें और एस्टैब्लिशमेंट को और सियासी जमातों को तय करना होगा कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान में एक आखिरी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कंसेंसस है, इत्तफाक राय है। अगर आपने ये इत्तफाक राय भी खत्म कर दिया और आइन पे भी इत्तफाक राय ना रहा, पाकिस्तान का बहरान बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये आपको 1970-71 के वाकयात से सीखने की जरूरत है। अगर आपने किसी चीज से कुछ सीखना ही नहीं तो फिर आप बेहतर नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा एक बता, दो बातें बता दें। एक मिनट बात, देखिए दो तीन बातें जैसे फवाद साहब ने की उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा कि सबसे पहले तो इस अदालत ने बहुत ही वाजे और क्लियर फैसला दिया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं और किसने करवाने हैं। लेकिन कल आपने एक तमाशा देखा, जो इजलास हफ्ते के दिन होना चाहिए था क्योंकि इतवार की रात 10:10 पे वो डेडलाइन खत्म हो रही थी, उसके बाद 61 दिन चाहिए इंतखाबात होने के लिए, तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मैं लफ्ज़ कहूँगा ऑलरेडी आइन की पामाली की राह पर चल निकला है
इतवार की रात 10:10 के बाद, क्योंकि अब 61 दिन का वक्त खत्म हो गया है, जो हफ्ते की शाम को होना चाहिए था या दोपहर को या सुबह को इजलास, वो ना इतवार को हुआ, ना हफ्ते को हुआ, मंडे को हुआ, ना मंडे को नतीजा, ना ट्यूसडे को नतीजा, आज बुध हो गया है। गवर्नर साहब कहते हैं कि क्योंकि असेंबली मैंने नहीं तोड़ी, खुद से टूट गई, तो मैंने किसी सूरत भी इलेक्शन की डेट नहीं देनी। तो अगर खुद से टूट गई थी तो आपने काबीना कैसे बना दी, आपने काबीना का हल्फ कैसे ले लिया, आपको तो फिर साइड पे रहना चाहिए था उसमें से भी। तो दो काम आपके जुम्मे थे, मीठा मीठा आपने हफ हफ कर लिया, जो आपको कड़वा लगता है वो आपने थू कर दिया। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा कि अदालतें फैसले देती हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में मेरे ऊपर एक FIR की गई जिसकी क्वेश्चनमेंट के लिए 20 दिसंबर को हम उस अदालत में गए। ऑनरेबल जस्टिस ने ऑर्डर किया कि इनके ऊपर अगर कोई भी और FIR है तो वो लेके आइए। 22 तारीख को पुलिस जाती है और ऑनरेबल जस्टिस को कोर्ट के अंदर वर्बली बताती है कि जी यही एक FIR है और कोई FIR नहीं है। केस को सुना जाता है, मेरिट के ऊपर क्वेश कर दिया जाता है। 22 दिसंबर को 6 पेजेस की जजमेंट लिखी जाती है। उसके एक महीने के बाद एक दोबारा पुरानी FIR छुपी हुई निकाल ली जाती है। आप सोचिए पुलिस के उस पूरे सिस्टम को, प्रोसिक्यूशन के उस सिस्टम को, जब वो 22 तारीख को अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, जजेस के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे थे, कोई डर और खौफ नहीं था। उसके बाद जब उसी FIR को मिल नहीं रही थी, यहां की एक ऑनरेबल कोर्ट ने वो FIR ढूंढ के दी, वो मिल नहीं रही थी, जहां पर पहले एक अदालत की तहकीर करने की कोशिश की गई बलूचिस्तान की हाईकोर्ट की, फिर यहां की अदालत को 6वीं 7वीं पेशी पे जाके वो FIR मिली। और जब FIR मिली तो हमें पता चला ये तो वही है जिसमें वहां झूठ बोला गया था। तो जब आप अदालतों के अहकाम की इस तरीके से तौहीन करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि अदालतें जो हैं वो भले अहकाम देती रहें, हमने तो नहीं करना। अब देखिए किस तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर कहा जाता है, किस तरीके इलेक्शन तो उन्हें नजर नहीं आ रहे। आप आज मुशर्रफ मरहूम जो वफात पा गए हैं, जिनके भी उनसे गिले थे, वो खत्म हो जाने चाहिए, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में जब कोई चला जाता है तो मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए जाते हैं। आज ऐसे ऐसे बदतमीज लोग मौजूद हैं जो उनकी फातिहा पढ़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वही लोग जो हैं वो आज आइन शिकनी की इसलिए फातिहा नहीं पढ़ रहे कि उन्होंने आइन तोड़ा था मुशर्रफ साहब ने, इस प्रिटेक्स के ऊपर। हालांकि मैंने कहा कि कल्चरली रिलीजियसली जब कोई चला जाता है तो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन उसी प्रिटेक्स पे जो उनके साथ कर रहे हैं, आज नई आइन शिकनी का दिफा भी कर रहे हैं, बल्कि उसमें मुशावरत प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी अफादियत बता रहे हैं। हमें पता नहीं ऐसी मुनाफकत कहां से आती है लोगों में। एक आइन शिकनी बहुत बुरी है, दूसरी आइन शिकनी बहुत। आप इंसानों से नफरत या मोहब्बत की वजह से उनके साथ खड़े नहीं होते, आप नजरियात पे खड़े होते हैं। अगर आपको इमरान खान या उनकी जमात या उससे कोई इख्तलाफ है तो आप देखिए इमरान खान आज किस नजरिए पे खड़ा है। वो लिबरल जो हमेशा साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने चाहे हैं, ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होने चाहे, आज वो देखें ऑपरेशन किस पे हो रहा है। आपको मैं पसंद नहीं हूं, चौधरी साहब पसंद नहीं, खैर है, आप देखें अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन हो रहा है तो आप ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। तो यहां नजरिए की जंग नहीं है, मुनाफकत की जंग है बुनियादी तौर पर। तो जब तक ये तबकाती और मुनाफकत की जंग में आप सब मिडिल क्लास इसमें इकट्ठी नहीं होगी, वॉइस नहीं करेगी, अदालतों की तहकीर भी चलती रहेगी। जैसे अभी अंदर अदालत में हुआ, कानून सारे मौजूद हैं। मरिंडा राइट्स की बात हुई, जो अमेरिका की एक खातून थी जिसने अपना हक मांगा कि जब उसे गिरफ्तार किया जाए तो किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाए। हमारे मरिंडा की बोतल पी के आपको मारते हैं, हमारे मरिंडा राइट्स हैं। वो जो आपको कस्टडी में मार रहा होता है, उसने स्ट्रा डाल के मरिंडा की बोतल रखी होती है, आपको मार के जब वो थक जाता है तो वो दोबारा उसका सिप लेता है मरिंडा का। तो इसलिए हमें राइट्स लाने पड़ेंगे। अच्छा, दो चीजें ध्यान में रखिएगा, दो बड़े अहम, बेसिकली तीन केस बड़े अहम थे। सबसे पहला केस था तौहीन अदालत का। अदालत ने कहा कि आज तौहीन अदालत कैसे बनती है। अदालत को बताया कि कल मैंने वो दरखास्त वापस ले ली कि जिसमें कहा था कि सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन का ऐलान करे। अब तो गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कल कहा गया वो मान रहे हैं। मैंने अदालत में प्रेस रिलीज पढ़ के बताई है जिसमें गवर्नर ने कह दिया है कि वो इलेक्शन की डेट नहीं देगा क्योंकि उसने असेंबली तहलील नहीं की है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि गवर्नर ने देना मुशावरत जारी है और इमीडिएट का लफ्ज इस्तेमाल होके या पाबंदी है उनके ऊपर डेट देना। और ये दो चीजों का जरा फर्क डालना है, मैंने बताया अदालत में। पोलिंग डेट
यानी अभी पहले पोलिंग डेट दें, शेड्यूल आप दे दीजिएगा, वो आपके पास दो चार दिन हैं, लेकिन पोलिंग डे के लिए आपके पास तो हीने अदालत हो चुकी है, वो संडे वाला दिन हो चुकी है, 61 दिन में आपको शेड्यूल का प्रोसेस देखना है और वो सामने आ गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन पे इस पर जवाब मांग लिया है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद क्या हो रहा है। अच्छा, एक मिनट खत्म है। दूसरा अहम इशू है कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर, हथकड़ियां लगाना, काले निकाब पहनना और तशद्दुद करना। जो मरिंडा राइट की अभी बात हुई है, वो जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से दरखास्त दायर की गई है कि यहां पर बाकायदा कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से कानून आ चुका है 2022 में, पर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमने फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगी देखी, काले नकाब देखे, हमने शहबाज गिल को हथकड़ियां लगी देखी, काले नकाब देखे, और शेख रशीद जो बुजुर्ग सियासतदान है उसको जिस तरह मेल ट्रीट किया गया, जिस तरह अभी उसके साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है, वह इन कवानीन की खिलाफ वर्जी, आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी अदालत में पढ़ के बताया गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, नैब, FIA, IGs इन सब से जवाब तलब कर लिया है 3 हफ्तों में। आखिरी जो मामला है वो है इमरान रियाज साहब और शहबाज गिल साहब का, इनका नाम ECL और PCL के अंदर डाला हुआ है और वो बताते नहीं है, वजूहत नहीं बताते हैं। अदालत के अंदर डेप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब टाइम मांगा है, हमने अदालत से गुजारिश की है कि टाइम फौरी तौर पर निकाल दिया जाए। सेक्रेटरी इंटीरियर और DG पासपोर्ट के ऑफिस से अगली तारीख के लिए और पीर की गुजारिश की है कि उस दिन उनको कहा गया है कि वो लोग पेश हों और अदालत को मुतमिन करें कि नाम ECL या PCL में क्यों डाला गया। अच्छा, फासब ये बताएं कि आपने अभी तस्करा किया अदालत के अंदर, आप एक किताब लिखने जा रहे हैं, शहबाज गिल की किताब लिखेंगे तो उसका अनुमान क्या होगा, मंदरजात क्या होंगे और कितने चैप्टर होंगे, क्या होगा उसका? मेरा ये ख्याल है कि ये किताब जो है वो इजाफा होगा पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें, और शहबाज गिल जो है वो भी बिल्कुल ये किताब लिखेंगे, लेकिन किताब लिखनी जो है वो अमेरिका में बैठ के लिखी जा सकती है ना, यहाँ बैठ के लिखेंगे तो फिर वही होएगा फिर एक और लिखनी पड़ेगी, फिर नवी लिखनी पड़ेगी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब आप चौधरी परवेज राई की जानिब से एक बयान आया था तो वो क्या आपके साथ कंफर्ट जोन में नहीं है तहरीक इंसाफ के इस मामले पर के ये बात ठीक है? चौधरी साहब की देखिए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले वो कह रहे थे असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। देखिए असेंबलियों की मुद्दत इसलिए हमने पूरी नहीं होने दी कि हमने तो इनके जो टाइम शेड्यूल था कि इन्होंने 2 महीने बाद इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्शन डिले करने, हमने इनके जो शेड्यूल था और फिर पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ानी थी, हमने इनके टाइम शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल बम मार दिया। इनको अब समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है, इसलिए फंस गए। चौधरी परवेज राई साहब का एक नुक्ता नजर है, वो जाहिर है मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन जो भी और जो ऐसी बातें आती हैं ना, ये जो वो बात बंदे एक और माहौल में कर रहा होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं। हमने इस मुंशी साहब जो मुंशी साहबान है, जब हमजा शहबाज यहाँ पे बड़ा मुंशी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था, हमने उसके अंदर इलेक्शन लड़ा था और सारी सीटें जीती थी। इस वक्त अवाम का एक रेला है जो कि पाकिस्तान के PTI के पीछे खड़ा है, इसलिए हमारे ये प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल फोन आने के बाद धांधली करना ठीक ठाक औखा काम है, और जो धांधली करेगा वो भी देख लेंगे। और जो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है भाई, या तो आप अपील करें जाके और स्टे ले लें, ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट ऑर्डर भी है और आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। अदालतों को आप बिल्कुल मजाक का रिड्यूस ना करें, इस तरह से तमाम इदारे खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिडिल क्लास हैं और आपके सामने ये पहले इमरान खान पहले वजीर आजम है जिन्होंने मिडिल क्लास लोगों को मौका दिया है, खुद भी मिडिल और खुद भी मिडिल क्लास है। लेकिन आप अगर ये कहें कि इमरान खान के इस मौका देने से जो जहनीत है अभी ओवरऑल चेंज होगी, वो नहीं, अभी तक ब्लॉकेट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान, उनकी पार्टी, उनका नजरिया इन ब्लॉकेट्स को खत्म कर देगा। उसमें आपका बड़ा अहम किरदार है, आपने भी फ्यूडल्स को नहीं प्रमोट करना, आपने भी जो मिडिल क्लास खड़े हैं उन्होंने होर कसोन नहीं मारने, बल्कि आपने तगड़ा करके उनको खड़ा करना ताकि कल को आपके बच्चों की बारी आ सके। बहुत शुक्रिया।